सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो आपको। हाय दोस्तों, ये है डिजिटल इंजन स्केल और आज मैं आपको डिजिटल इंजन स्केल के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए। दोस्तों, ये है टांगने वाला वेन स्केल। इससे आप कोई भी टांगने वाली चीज इससे तोल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लाइट वेट रहता है और साइज भी बहुत मेंटेन किया हुआ साइज है। ये है 6.5 इंच का वेन स्केल है। इससे इसके नीचे ये आप ऐसे ऊपर रख के और नीचे इसका जो टांगने वाला जो है वो आंकड़ा ये आप इधर लगा के यहाँ पे आप कोई भी चीज टांग के आप वजन तोल सकते हैं। और इसका डिस्प्ले जो है वो भी ग्रीन कलर का रहता है ताकि आपको धूप में भी इसका नंबर दिखाई दे। और एक बात है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होती है वो ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लगती है। चार्जिंग की जो ट्रांसफार्मर होती है वो इसमें नहीं लगती है, उसकी जगह ये जो ट्रांसफार्मर होती है ये इसमें नहीं लगती है, उसकी जगह ये एडेप्टर लगता है। तो एडेप्टर का मेन एडवांटेज क्या है इस वेन स्केल के लिए कि आपको कहीं भी रिपेयर करवाना नहीं पड़ता है। और कभी भी अगर ये एडेप्टर बिगड़ जाता है तो आप बाजार से खरीद के भी इसको लगा सकते हैं। ये एडेप्टर है इनपुट 90 और 270 तक इसका इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है 5.5 वोल्टेज, ठीक है। और दूसरी बात कि आप इसको कहीं भी खेत में भी इसको इसका वजन इससे आप तोल सकते हैं क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप वाला ये वेन स्केल रहता है। और कॉस्ट भी इसकी बहुत ही मेंटेन की हुई है ताकि सब जो फार्मर है वो खरीद सके और अपना खुद का काटा अपने अपने घर पे रख सके। और दूसरी बात कि ये वेन स्केल का मेन एडवांटेज ये है कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म वाला जो काटा होता है तो प्लेटफॉर्म वाले कांटे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही दिक्कत रहती है और ये वेन स्केल आप कहीं भी जगह ले जा सकते हैं। और अगर ये वेन स्केल आपको खरीदना है तो आप मेरे से भी खरीद सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेरे से भी आप ये वेन स्केल खरीद सकते हैं। और एक बात दोस्तों कि इसका कैलिब्रेशन भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले इस कांटे को बंद रखना है, फिर ये टायर वाला जो बटन है इसको दबा के कांटे को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं K1 आ जाएगा, बाद में ये जो मोड़ वाला बटन है उसको एक बार दबाना है, तो इसको एक बार दबाने से K0 आ जाएगा, फिर एक बार मोड़ दबाने से यहाँ पे लोड लिख के आ जाएगा। तो ये लोड लिखने के लिखा हुआ आ जाने के बाद आपको ये जो यहाँ पे लटकाने के लिए जो है वहाँ पे आपको कोई भी आपको जो वेट मालूम हो 5 किलो 10 किलो 20 किलो इसको यहाँ पे आपको टांग देना है। फिर टांगने के बाद वही मोड आप एक बार दबाओगे तो यहाँ पे जो आपने वजन नीचे लगाया है इतना वजन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये 5 किलो लिखा हुआ है, देखो। इसी तरह आपको अगर 10 किलो टांगते हो तो यहाँ पे 10 किलो लिखना है, 10.000, ठीक है। और 20 लगाते हो तो यहाँ पे 20.000, ठीक है। वो करने के बाद आपको फिर एक बार मोड़ दबा देना है तो यहाँ पे ये वजन स्टोर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है लेकिन आपको ये वजन यहाँ पे लगा के ही करना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसका कैलिब्रेशन भी इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वेन स्केल चाहिए, आप खरीदना चाहते हो, तो आप मेरे से खरीद सकते हो और मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा।